नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नगर निगम के 70 वार्ड में से 18 वार्ड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं वार्डों के अंदर स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कई सौगात बताते हुए काम किए गए, जहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग ले लो, अंडरग्राउंड सीवरेज कनेक्शन ले लो और अंडरग्राउंड जलदाय विभाग की लाइनें, और साथ ही यह भी एक अच्छा सा सुनहरा सपना दिखाया कि शहर को बेहतर बनाने के लिए ये जो वायरिंग है जो बिजली विभाग द्वारा लगाई गई इसे भी अंडरग्राउंड करके शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा। लेकिन इसी स्मार्ट बनाने के प्रयास के तहत वार्ड नंबर 60 जो कि धोलीवावड़ी क्षेत्र भी इसी में आता है, इसके यहाँ के रहने वाले क्षेत्रवासी इस स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से इतने परेशान हो चुके हैं कि वे अब घर को चलाने वाले व्यवसाय को भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद के सामने जो गलियाँ हैं उन गलियों में स्मार्ट सिटी का काम सबसे पहले किया गया, लेकिन आज इसी गली के लोग इस स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाई गई सड़कों से इतने परेशान हो चुके हैं कि वे अब व्यवसाय करने से भी वंचित होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा उन्हीं गलियों का है जहाँ पर जिस भी दिन जलदाय विभाग के द्वारा पानी भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है, सड़कों पर बेतरतीब पानी भर जाता है। ये मस्जिद के सामने का एरिया है जहाँ पर कई धर्मावलंबी भी यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं, उनको इन पानी से होकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। अब जब नापाक जगह पे नापाक होकर जाना पड़ता है, आप सोच सकते हैं कि किस तरह का ये काम है स्मार्ट सिटी का। हाँ, किस तरह की समस्या है और क्या मामला है? ये समस्या तो जब से ये गली का काम चालू हुआ है इस धोलीबावड़ी के अंदर, सबसे पहले काम ही धोलीबावड़ी में गली का जब चालू हुआ है तब से समस्या ही समस्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पानी की लाइन और जो सीवरेज लाइन डाली गई, आए दिन चोक हो रही है, साफ करके जाते हैं और दूसरी वापस चोक हो जाती है लाइन, और सीवरेज का पानी भी बाहर आ रहा है इसके अंदर नालियों के अंदर से। ये मेरी दुकान के यहाँ पर देखो, ये दुकान बंद करके जाना पड़ा है इनके अंदर, और इसके अंदर हम बार बार, गांगुली है इसका मेन आदमी, उसको हमने कितनी बार फ़ोन करा वो आने को तैयार नहीं है। जब भी फ़ोन करते हैं तो आश्वासन देके और आता भी नहीं इस मोहल्ले के अंदर ना चेक करने आ रहा है। बहुत सी बार शिकायत कर दी गांगुली के लिए हमने, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब से ये गली बनी है जब से परेशान हुआ। यहाँ पर ये जो पानी जा रहा है ये किस चीज़ का चैम्बर है? ये चैम्बर लाइट का है, इसके अंदर पानी जा रहा है, इसकी भी कुछ नहीं हो रहा है, इसी तक पानी लाइट के चैम्बर में उतर रहा है। एक नंबर का। और ये यहाँ पर जो यहाँ पे एक पैनल भी है ये बिजली का, उससे कोई ऐसे नहीं होता पानी आ जाता है करंट वरेंट जैसा कोई मामला? यहाँ पे बच्चा बच्ची खेल नहीं सक रहे हैं, यहाँ पे आए दिन की परेशानी होगी है। बार बार गांगुली से हमने रिक्वेस्ट करी तो भी उन्हें सुन नहीं रहा है, वो आने को तैयार नहीं इस मोहल्ले के अंदर। और इस गली का काम ऐसा करा है, यहाँ 1.25 से 1.5 फीट माल ऊपर गांगुली ने अपने हाथों से खड़े होकर चढ़वाया है इस गली के अंदर माल। ये 1.25 से 1.5 फीट माल चढ़ा है इस गली के अंदर, और घरों का लेवल कुर्सी लेवल बराबर करके चला गया घरों में। किस तरह की समस्या पूरे क्षेत्र को ले गए? पूरी धोलीवावड़ी क्षेत्र में ऐसा ही माहौल करके गया वो, गांगुली नाम है उसका इंजीनियर का, और किसी की सुनता ही नहीं। एक साल से फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ आके ही नहीं भटक रहा, बस स्मार्ट सिटी तो नहीं गंदी सिटी बना के चला गया। कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है पूरी सिटी में और मच्छर ही मच्छर हो रहा है, आके आप खुद देख लो। आए दिन सीवरेज बाहर आ रहा है इसके अंदर से, गली में से निकल के, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आश्वासन देता है आ रहा हूँ मगर नहीं आता है। हमने पार्षद से भी बहुत बार किया, उसने भी फ़ोन करके बार बार कहा, फिर भी वो आने को तैयार नहीं है यहाँ पर।